जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 17वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। ये भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मनिराज की शिष्या देव सहाई समाधिस्थ 105 गणनी आर्यका रत्न गुरु माँ विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद सम्पन्न हो रहा है। विश्व का अनूठा जिन मंदिर जिसका निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें लंदन म्यूजियम में रखी 2.5 फीट प्रतिमा की हूबहू छवि वाली 7 फीट की प्रतिमा विराजमान है। जिसके ऊपर तले में कली कुंड पार्श्व प्रभु का मंदिर, सीमंदर भगवान का मंदिर तथा सबसे नीचे तले में घंटाकर्ण महावीर की विशाल प्रतिमा और उनके कल्य मंत्र के साथ विराजमान है। दो छोटे मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ और नीमिनाथ भगवान, ऐसे विशाल भव्य जिन मंदिर का भव्याति भव्य पंच कल्याणक महोत्सव दिनांक 20 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। साथ ही दूसरे परिसर में महामृत्युंजय चंद्रप्रभ जिनालय तथा राष्ट्रीय विद्यानंद कीर्ति स्तंभ, जिसमें आठों दिशा में प्रतिमाएं विराजमान होंगी, ऐसे भव्य मंदिर और कीर्ति स्तंभ के पंच कल्याणक महोत्सव में आओ जुड़े और जोड़े, आगम जोड़े, पंथ परंपरा जोड़े, 16 दिवसीय पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा अहिंसा महोत्सव। प्रारंभ में सभी भक्तजन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के चरणों में उपस्थित हुए, जिसके साथ ही श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की जाती है। हाय देखो त्रिभुवन स्वामी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम्भं मम दिवि दीक्षिता के गरिमन तत्काल पीलित मौसमी रसास ओम नमो पवित्रेने मम 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 कर लो चंदन लेपनम ति शिरीष वृंदे ओम ह्रीं सुमनः तीर्थंकर भगवान महावीर के समोसरण में एक बात खिरी कि इस कलिकाल पंचम काल में मिथ्यात का जोर होगा और जिन शासन में अनेक पथ और मंत्र और संत के रूप में धर्म बट जाएगा
लेकिन ऐसा नहीं कहा था कि जिन शासन ही समाप्त हो जाएगा। तो नहीं बच्चे तो सेव नामानी मुक्त शरण वाहि अनु चलो ओम राम ने संत के कृष्णा जिन देव हमारे प्रभु जी। बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों और पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण करते हुए सभी धार्मिक क्रियाओं को विधि पूर्वक संपन्न कराया। इन्हें धारी शिवग्रवासी कैलाशपति प्रथम तीर्थ आदिनाथ के चरणों में गुरु मैया गणियार का विद्या श्री माँ की ओर से देवराज घंटा भारत चैनल वालों की ओर से उनको देखने वालों को और श्री नमकार विधान करने करवाने वालों को ओर से गणियार को संग संघ के परिवार आश्रम के भक्त जनों की ओर से जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति सुखनाशने श्री वासु जिनेन्द्र जनादि गुणपामति विद्या श्री माँ की परम प्रिय माँ पद्मावती महादेव भाई जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति ओम नमो हरियंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम सेनायन मूल मंत्र ओम नमो हरियंताणम बीजाक्षय नमार ओम ओम नमो सिद्धाणम चढ़ा चढ़ा हर जाया अब रखो मोरी लाल। श्रद्धालुओं ने बड़े ही भाव और तल्लीनता के साथ श्री नमोकार महामंत्र विधान में भाग लिया। ओम ओम नमो आयरिया नमाचार परमेश्वरी ठाठ स्थापनम त्रत्र संभूषित महानम जय माला पूर्ण अर्घम निर्वामित अले पाव सा माला पूर्ण अर्घम परम पूज आर्य का रथ विदा श्री माँ के पावन पुनीत चरण कमलों में जलादि अर्घुन पामती परम पूजनीय गुरु माँ गणी आर्य का विद्या श्री माता ओम नमो लोई सुभावनम सर्व साधुओं को नमः जपले जपले नमो का भजले भजले नमो का। सायंकाल की मंगल बेला में भक्तगण उत्साह और भक्ति से भरपूर मंदिर में एकत्रित हुए। हाथों में दीपक लिए श्रद्धालुगणों ने श्री जी की मंगल आरती की। ओम नमो हरिहंताणम प्रभु चरणों में आओ तैरना अरे कैसे मैं प्रकट करूं माता आई है मेरी माता आई पैरों में घुंघरू घुंघरू आदि बाबा की आरती करूं बाबा की आरती करूं भक्ति की ऐसी दीवानी जिन भक्ति की ऐसी दीवानी भक्ता दी थाल सजा मेरे। महाआरती के उपरांत पूज्य आरिका श्री जी ने अपनी मंगलवाणी से समस्त उपस्थित जनों को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। यहाँ पर पंच परमिष्टि स्तोत्र का वाचन हो रहा है। इस पंच परमिष्टि स्तोत्र में पंच परमिष्टियों की महिमा गाई गई है। कल आया था कि पंच परमिष्टि का स्मरण करने से सब पापों का नाश होता है। सब पाप का यह नाशक है। अब कहते हैं कि जो इसका आराधना करता है उसको क्या मिलता है। भुवने वी मंगलाणम मानुषा सुर भ्रमण खवय मैयाणम सव्येशी मिमो पणमो हवई महामंगल प्रणाम। क्या कहते हैं कि मनुष्य असुर भमर खग है। क्या कहते हैं जो मनुष्य देव असुर विद्याधरों के द्वारा यह महामंत्र पूजनीय है। और कहते हैं ते लोगा और तीनों लोकों में यह नमोकार मंत्र सभी मंगलों में हवई परमम यह प्रथम मंगल है। सभ्येसी सभी मंगलों में यह प्रथम मंगल है। और कैसा है कहते हैं कि भुवने मंगलाणम यह उत्कृष्ट महामंगल है। कैसा है उत्कृष्ट महामंगल को करने वाला है यह नवोकार मंत्र। यह संसार का सार
करने बताने वाला है। यह संसार कैसे छूटने का बहुत बड़ा अवलंबन है, सार रूप है यह। और कैसा है तो कहते हैं यह भव का विच्छेदक है। भव का विच्छेदक है अर्थात भव माने संसार, संसार का विच्छेदक है माने भाव संसार और द्रव्य संसार। भाव संसार में राग देश आ गए और द्रव्य संसार में कहते ज्ञानावरणादि कर्मों का विच्छेदक है। और कहते हैं कि यह पाप हरि, पाप अरि है अर्थात पापों का नाश करने वाला है, संपूर्ण रूप से पापों का नाश करने वाला है। जैसे एक अग्नि का तिलगा होता है वह सारे तिलों को के ढेर बड़े बड़े पहाड़ों को भी वह भस्म कर देता है एक तिलगा। ऐसे ही कहते यह नवोकार मंत्र का जो भाव सहित स्मरण करता है कहते उसके सारे कर्म अशुभ कर्मों का अभाव हो जाता है और शुभ कर्मों में वृद्धि हो जाती है। और कहते हैं कि यह अनुपम तीनों लोकों में अनुपम है। कहते इसकी चमत्कारिक शक्ति और इसका प्रभाव अन्य मंत्रों में जैसा इसमें है वैसा मंत्रों का ऐसा चमत्कार और प्रभाव अन्य मंत्रों में नहीं है। कहते यह जो मंत्र है वह कहते हैं कि यह सर्व प्रकार की सिद्धि को देने वाला है। जो इसको विधि पूर्वक अनुष्ठान पूर्वक इसकी आराधना करता है इसको जप करता है उसे लौकिक और पारलौकिक अलौकिक ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और कहते हैं संपूर्ण रूप से सब कार्य हो जाते हैं, जो दुर्लभ से दुर्लभ हैं असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं पूर्ण हो जाते हैं। कहते हैं यह मोक्ष रूपी सुख को देने वाला है। और कैसा है कहते हैं कि केवल ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है और निर्माण रूपी सुख को भी देने वाला है। असुरानाम कहते हैं ये देवों की जो विभूति है उसको भी आकर्षित करने वाला है। जब इस नवोकार मंत्र की आराधना करते हैं तो इनके अधिष्ठाता देव जो होते हैं तो कहते हैं उनकी जो विभूति है उसको भी आकर्षित करने वाला है। कहते हैं कि यह है मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वशीकरण वश में करने वाला है। चारों गति में जो कष्ट हैं दुख हैं विघ्न बाधाएं हैं उन सबको नाश करने वाला है यह नवोकार मंत्र। और कैसा है कहते दुर्गति का रोकने वाला है, मोह का स्तंभन करने वाला है। और कहते हैं मोह का स्तंभन करने वाला है, विषयों की आसक्ति को घटाने वाला है और सम्यक्त की वृद्धि करने वाला है, सम्यक दर्शन की वृद्धि करने वाला है। पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, कैसे भी उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते बोलते, कहते हैं इसको अगर तुमने मन में स्मरण किया कोई विघ्न बाधाएं आ रही हैं और मन में अरे ये तो हम तो अशुद्ध हैं अभी नहीं हम कर सकते पढ़ सकते, कहते भाई मन में तो स्मरण कर सकते हो। मन में स्मरण करने से मन की भी पवित्रता होगी और शरीर की भी पवित्रता होगी, क्योंकि शरीर तो वैसे ही अपवित्र है। लेकिन शरीर अपवित्र होने पर भी इसके स्मरण से अपनी जो मन की जो आत्मा की परिणति है वह बड़ी निर्मल और पवित्र हो जाती है। तो इसलिए कहा है कि यह शरीर पर मन को भी पवित्र करने वाला है। और कहते हैं आप कहते अप्रतिहत है शक्ति है इसमें अनाहत शक्ति है। कहते हैं कैसी है कहते इसकी जो स्मरण करता है तो इसकी शक्ति को कोई भी आहत या प्रतिबद्ध नहीं कर सकता है, इसे कोई भी बांध नहीं सकता इस मंत्र को ना अवरोध कर सकता है।
ये मंत्र तो सबको बांध सकता है लेकिन इसको कोई नहीं बांध सकता है, अनाहत है। कहते ये और कैसा है, कहते ये जो मंत्र है ये मंत्र के स्मरण करने से कहते जैसे हलाहल विष होता है तो विष तत्काल ही उसकी उसका फल बैठ नहीं जाता है, वह तत्काल फल देता है। ऐसे ही ये जैसे ही इसका स्मरण करते हैं तो अशुभ का अशुभ की निजरा होती है और पुण्य में वृद्धि होती है। कहते इसके स्मरण करने से इस स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। कहते जो पशु भी होते हैं पक्षी भी होते हैं, कहते हैं वे पशु पक्षी भी कहते हैं जो विचार करो कि जो न, जो सर्प था कुत्ता था पूरे समय तो उसने पाप किया होगा, मांसाहारी था, शाकाहारी तो था नहीं, पूरे समय पाप किया होगा, लेकिन जब उसने नवोकार मंत्र का श्रवण किया तो वह उस मात्र एक बार श्रवण करने से कहते स्वर्ग की संपदा प्राप्त हो गई। दर्शकों आज की इस कड़ी में बस इतना ही, कल इसी समय हम फिर से हाजिर होंगे। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, हमारी अगली भेंट तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।